सना काफी छोटा कैमियो रोल रहा है आपका, नाम जानने के साथ, तो इसके लिए क्या कहना है? छोटा यानी अच्छा रहा, मतलब कुछ दिनों के लिए मैंने कहा नामकरण में एंट्री की एज नील्स फ्रेंड, उसकी एकेडमी की दोनों की दोस्त होती हूँ और उसके मिशन में उसको एक छोटे से पड़ाव में मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं आती हूँ उस शो में। एंड मैं किस तरह से नील और अवनी को हेल्प करती, मतलब एक्चुअली आई एम हेल्पिंग नील बट अवनी उसकी वाइफ है तो इनडायरेक्टली आई एम हेल्पिंग अवनी ऑल्सो। सो एक ही रोल में कुछ एक हफ्ते के ट्रैक में मैंने तीन रोल्स कर लिए। शुरुआत बार डांसर से की, फिर रिवील होता है कि मैं एक इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर हूँ, उसके बाद मैंने ये साउथ इंडियन का रूप लिया हुआ है। तो मैंने एक ही रोल में एक हफ्ते में कुछ तीन किरदार निभा लिए, विच इज़ क्वाइट सैटिस्फाइंग एज एन एक्टर। सो या जैसे अभी तक क्या करेंगे कि आपको इकट्ठे इतने किरदार, मतलब इतने से टाइम में आपको निभाने मिलेगा या फर्स्ट टाइम? नहीं, मैंने पता नहीं क्यों, मेरे शायद कुंडली में ही ऐसा है कि मैं जब कोई रोल लेती हूँ तो मैं हमेशा हर रोल में मुझे बहुत सारे कैच आए। वो मेरा फर्स्ट सीरियल डिज्नी पे क्या मस्त लाइफ था, जिसमें मैंने बहुत सारे, मैंने क्या, हम सारे एक्टर्स, चाहे शहीर शेख, श्वेता त्रिपाठी, ऑल ऑफ अस, हमने सबने बहुत अलग अलग किरदार निभाए थे। बुड्ढा बन जाते थे, बुड्ढी बन जाते थे, मतलब दुनिया भर के कैरेक्टर्स किए। उसके बाद भी जो जो शोज़ मैंने किए उसमें मैं कुछ ना कुछ बनती रही, स्पेशली गुस्ताख दिल, उसमें भी मैं एक सुपरस्टार बनती हूँ, मॉडर्न लड़की बनती हूँ, बिहारी बनती हूँ। कृष्णदासी जैसे शो में भी मैं एक सरदार जी बन गई थी, सरदार जी पाजी बन के आई थी, उसमें भी मैं फिर आर्यन की दादी बन के आती हूँ। पता नहीं ऐसा है मेरे साथ शायद, एंड इट्स ग्रेट एक्चुअली, बिकॉज हम डेली सोप्स में इतना नहीं कर पाते वेरिएशंस। एंड यहाँ पर स्पेशली ये एक हफ्ते के ट्रैक में मैंने तीन किरदार निभा दिए। मैंने डांसर के तौर पर एंट्री ली, मैं इंस्पेक्टर बनी, इसके बाद अभी साउथ इंडियन का किरदार। सो इट्स बीन वेरी नाइस एंड इट्स लवली। आई थिंक आई एम लकी टू डू सच रोल्स इन टीवी। वैसे साउथ इंडियन के किरदार की अगर बात करें तो काफ़ी, मतलब छोटा सा रोल भी है, लेकिन इसमें मेहनत कितनी है आपने इसके पीछे की? रोल छोटा नहीं है, अगर आप ड्यूरेशन देखें तो छोटा है, कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता। मेरा हमेशा ये मानना है, हमारे जूनियर्स भी होते हैं जो पीछे भी खड़े होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो नहीं होंगे तो सीन कम्प्लीट नहीं दिखेगा। तो हम एक कैनवस की पेंटिंग है, हर एक कलर का एक एक रोल होता है हमारा। और सो या आई थिंक जो लड़कियाँ लीड्स करती हैं वो थोड़ा नहीं लेती हैं कैमियोज या एज अ गेस्ट अपियरेंस करना, जल्दी नहीं आती, पर मेरा मुझे अच्छा लगता है बिकॉज जब मैं लीड करती हूँ बहुत टाइम तक के, उसके बाद जब घर, थोड़ा सा बारिश की वजह से मक्खियाँ यहाँ पे, तो उसके बाद एक कैमियो करना कुछ दिनों के लिए, फिर आना, फिर ब्रेक लेना, तो एक अच्छा मुझे एक फ्लो मिलता है बहुत अच्छा। सो यार इट्स बीन वेरी नाइस। जैसे आपकी सीन की बात करी जाए तो किडनैप हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? दयावंती किडनैप हुई हूँ, दूसरी बार दयावंती ने किडनैप किया है, एंड एक्चुअली हमारे मिशन में ही किडनैप किया है। और आई थिंक अभी कुछ देर बाद हम लंच के बाद शूट करेंगे कि नील मुझे रेस्क्यू भी कर देता है। तो इतनी तो मदद आपने, इतना तुम लगाओगी, इतना ले रही हो एक्चुअली। हाँ बोलो। तो इतनी मतलब नील की मदद कर रही हो करके दयावंती के सामने सारी सच्चाई भी आने वाली है, तो किस तरह से मतलब ये होने दयावंती के सामने सच्चाई आने वाली है? आ चुकी है, उनको पता चल गया मैं अनन्या हूँ, मैं अवनी नहीं हूँ, कॉप हूँ, ये उन्हें नहीं पता, बट उन्हें नहीं भी पता चलेगा तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनली ईद आने वाली है, कुछ फैंस को ईद आने वाली है, बहुत बहुत ईद मुबारक सबको। हमारे फेस्टिवल्स दुनिया में इसीलिए बनाए गए हैं कि हम सब मिल बांट के रहें, अलग अलग धर्म के लोग, हमारे दोस्त, हमारा जिनसे मन मुटाव है वो टाइम पे हम सबके साथ हमारे गिले शिकवे दूर करें, मिल बांट के ईद मनाएं, थोड़े में ही सही लेकिन बांटें, खुशियाँ बांटें, लोगों को गले लगाएं, प्यार से मिलें, प्यार से बातें करें, एंड किसी को भी गले ना लगाएं, मतलब दोस्तों को गले लगाएं और खुश रहें। थैंक यू।